1.5 कप मैदा, 1 कप हमने ऐड किया था, ये हाफ कप लिया है, इसे भी ऐड कर देंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 कप चीनी पिसी हुई, 1/4 टीस्पून नमक एंड 1 कप बटर। इसे मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसी मेजरमेंट से आप बनाइएगा। इसे हम सबको मिक्स कर लेंगे। ये क्रम्बली हो जाएगा तक हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। ये डॉव बन गया है एग्जैक्टली। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा जरूरत है थोड़ा सा और मॉइस्चर का, तो आप 1 टीस्पून या 2 टीस्पून इसमें मिल्क भी डाल सकते हैं, बट ये एकदम परफेक्ट है। इस तरह से इसको रेस्ट देंगे, हाथ से भी इसको मिला लेंगे अच्छे से, इसे हर जगह से मिल जाइए, और इसे हम 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट देंगे इसी तरह से। अब हमने यहाँ कुछ टार्ट शेल्स लिए हैं, इस पे थोड़ा सा हम डो लेंगे करीबन इतना, इसे एक पेड़ी बना देंगे इस तरह से फैला लें, एंड इसको हम टार्ट शेल पे लगाएंगे इस तरह से, एंड प्रेस करते हुए हम इसे चारों तरफ इसे फैला देंगे इस तरह से। जो एक्स्ट्रा है उसे आप हटा भी सकते हैं इस तरह से। इस तरह से हम अपने सारे टार्ट शेल्स बना लेंगे। एक बार सारे शेल्स बन जाए, इसमें हम बटर पेपर लगाएंगे इस तरह से, एंड इसके ऊपर में कोई भी आप दाल या चने जो भी आप ले सकते हैं इसके ऊपर हम इसके अंदर भर देंगे। भरने से ये बिल्कुल भी पफ नहीं होगा, फूलेगा नहीं, और इस तरह से शेप में रहेगा। तो हमें इस तरह से रेडी कर लेना है सारे शेल्स को। यहां मैंने ओवन को भी प्री हीट करने के लिए चढ़ा दिया है, लगा दिया है। इसी तरह से हम अपने सारे शेल्स को भर लेंगे। सारे रेडी है ओवन में जाने के लिए 10 से 12 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। टार्ट हमारे बाहर है, ये बेक हो गए हैं अच्छे से। इसे हम रेस्ट देंगे पहले 10 मिनट के लिए इसी तरह से। ये अदरवाइज इसे आप चिक पीस जो है काफी गर्म है इसे आप हटा दें, और इसे कूल डाउन होने दें। ये भी हल्का नरम लग रहा है मुझे ये, परंतु जैसे इसे ये बेक हो जाएगा ऑटोमेटिकली तो ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा। तो 10 मिनट के लिए हमें इसे छोड़ना पड़ेगा। इस तरह से हम इसे कूल डाउन होने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं इसे कूल डाउन होते हुए। अब हम एक फोक की मदद से हम किनारे में निकालेंगे, अदरवाइज ऐसे लग रहा है ये काफी निकल जाएगा, बट ओके बहुत इजीली निकल जा रहा है ये। एंड आप पीछे से देख रहे हैं, पीछे से पूरा बेक हो चुका है, एंड बहुत ही क्यूट सा बहुत ही सुंदर सा बना है ये। इसे हम और अभी 10 मिनट रेस्ट देंगे थोड़ा फर्म होने के लिए। तो ऑल टुगेदर ये हम 20 मिनट दे रहे हैं इसे फर्म होने के लिए। इसी तरह से हम रखेंगे कूलिंग रैक पे इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। ओके इसी तरह से हम सारे को खाली कर लेंगे। काफी अच्छे से ये पूरा बेक हो चुका है ये। एक पैन में ऐड करेंगे 1 कप आप क्रीम ऐड कर दें, इसे हमें बॉईल होने तक इसे मेल्ट करना है, तक बॉईल ना हो जाए अच्छे से। एक बार क्रीम अच्छे से बॉईल हो बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और इसमें डालेंगे 1 कप चॉप किया हुआ डार्क चॉकलेट।
और इसे हम क्रीम में अच्छे से मिक्स कर देंगे या ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाएगा। इसे मिक्स करते तो ये मेल्ट हो जाएगा, काफी गर्म है क्रीम, देखिए कैसे मेल्ट हो रहा है ये, और ऐसे इस तरह से रहने देंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा बिल्कुल। एक बार ये अच्छे से मिक्स हो जाए इसके बाद में हमें इसे रूम टेम्परेचर में ठंडा करना है, इसे फ्रिज में बिल्कुल ना रखें, इसे रूम टेम्परेचर में ही इसे ठंडा करना है हमें। तो इसी तरह से रहेगा ये, इस पे कोई क्रश नहीं है, कोई लेयर नहीं है, इसे आप क्लीन रैप देकर भी आप इसे ठंडा कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस पे कैप लगा के भी इसे ठंडा कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं कैप लगा दूंगी जिससे इस पे क्रश नहीं है और ये ठंडा होगा, इसको करीबन आधी घंटा लगेगा ठंडा होने में। हम चेक करेंगे सॉस को, काफी थिक हो चुका है एंड लाइक ठंडा भी हो चुका है पूरा, इसको एक बार फिर से मिक्स देंगे हम। कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए सॉस में, इस तरह से रखेंगे हम। यहां मैंने कुछ क्रीम लिया है अराउंड वन कप हम सॉस इसमें ऐड करेंगे। इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो मिक्स करना है हमें अच्छे से। अब हम बाकी का भी चॉकलेट डाल देंगे इसमें, एक बार मिल जाए अच्छे से। इसे मिक्स कर लेंगे। हमें थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है, एक बार में नहीं मिलाना है। यहाँ हमने एक पाइपिंग बैग ले लिया है नोजल लगा के, इसे हम ट्रांसफर करेंगे इससे। यहाँ हमारा पाइपिंग बैग रेडी है, यहाँ हमने टार्ट्स ले लिए हैं, इसे हम पाइपिंग करके इसमें डिजाइन बना सकते हैं, कुछ भी डिजाइन बना सकते हैं आप। इस तरह से हमने डिजाइन बना लिया है, अब इसे गार्निश करेंगे थोड़े से सिल्वर बॉल के संग में। रैंडम डालना है हमें चौथ रफ। चॉकलेट टार्ट्स रेडी है सर्व करने के लिए। इसकी प्रिपरेशन हम प्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बाद में जिस दिन आपकी पार्टी हो या कोई भी आपको सर्व करना हो, ओकेजन हो, उसमें आप सिर्फ असेंबल करके आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें, और ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।